जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि विपाशना क्या होता है। साथियों, कुछ हमारे साथियों के मन में यह बात आती है कि विपाशना क्या धर्म परिवर्तन का नाम है? क्या हमें बौद्ध जन धर्म में परिवर्तित करने के लिए विपाशना के लिए हमें प्रेरित किया जाता है? जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहूँगा कि विपाशना जो है वह हमें शुद्ध धर्म के बारे में ज्ञान कराता है। विपाशना में होता क्या है? दरअसल जो लोग विपाशना गए हुए हैं उन्हें ही इसका लाभ पता है। बाकी और सब लोग गलाने और जोड़ घटा गवाली बात बताते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना समझें, आप विपाशना जरूर जाएं। विपाशना होता क्या है? विपाशना में तीन तरीके के कोर्सेज कराए जाते हैं। पहला ये है कि पहले चरण में आपको 3 दिनों तक आनापान का प्रयोग कराते हैं। उसमें क्या होता है, हम शांति से अपने सांसों को देखते हैं आते और जाते वक्त। फिर दूसरे चरण में हमें ये कराया जाता है कि हम अपने शरीर में किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वहाँ पर देखते हैं किसी प्रकार की संवेदनशील हो रही है, यानी सेंसेशन हो रहा है तो हम उसको देखते हैं, यानी तटस्थ रूप से देखना। इसके बाद तीसरा चरण जो होता है वो हमें अपने पूरे शरीर में नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक यात्रा करनी होती है, अपने मन को एकाग्रचित करना होता है। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सभी उन विद्यार्थियों को भी रिकमेंड करूँगा यह जो विपाशना शिक्षा है उसको ज़रूर लेना चाहिए। इससे मन को एकाग्रचित करने में बहुत मदद मिलती है। साथ ही विपाशना में यह पंचशीलों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आप बात नहीं कर सकते 9 दिनों तक, और आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, इशारों में भी बात नहीं कर सकते हैं। आपको एक कुटिया दे दिया जाएगा, उसमें एक या दो साथी रहेंगे जो कि उस कुटिया में रहेंगे और ध्यान करेंगे।